Student and viewers, now we are going to study about complement and adjunct. Pehle hum janenge, what is the difference between complement and adjunct? Well, dekhiye, adjuncts and complements are two main elements in a sentence. However, they are is a major difference between these two elements. To a sentence ka part hote hain aur inka base mein मेजर डिफरेंस होता है. तो पहले हमने कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए गिवन सेंटेंस. एडजंक्ट्स आर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दैट कंटेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. दे आर नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस. पहले से देखिए, एडजंक्ट जो होता है वो सेंटेंस को क्या करता है? एनलार्ज करता है. कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सेंटेंस को कंप्लीट करता है. तो एक एक करके हमने पूरा जानकारी हासिल करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है कैसे होता है, एडजंक्ट क्या होता है, उसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको जानकारी दूंगा. तो चलिए, कॉम्प्लीमेंट इज दैट एडजंक्ट is optional to a sentence, whereas complements are a necessary part of a sentence. तो ये होता है, हमने उससे पहले देखिए लिखा है, adjuncts are part of sentences that contains extra information. They are not necessary to complete the meaning of a sentence. adjunct जो होता है वो सेंटेंस को सेंटेंस का एडिशनल पार्ट होता है. वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, अतिरिक्त सूचना. दे आर नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये जो है इतना जरूरी नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. अभी दूसरा जगह में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो वाक्यों को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, नेसेसरी पार्ट होता है वो सेंटेंस का. तो अभी इसका नोट्स आपने कर दीजिए, मैं पहले से दिखाता हूँ एक बार. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट जो है उसको आपने एक बार देख लीजिए. तो हमने विस्तार से अभी जानकारी देंगे. व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड, फ्रेज, क्लॉज दैट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ गिवन सेंटेंस. दे कैन कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है. जो जरूरी होता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह में बैठ सकता है, सब्जेक्ट को रिफर करता है, ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, वो वर्ब को रिफर करता है. तो कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड, फ्रेज, क्लॉज. कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, जो कि सब्जेक्ट को रिफर करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रूप से, ऑब्जेक्ट को रिफर करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप से, और वर्ब कॉम्प्लीमेंट रूप से वर्ब को रिफर करता है. फिर हमने चलते हैं उसका एग्जाम्पल का तौर पर. तो पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं. A subject complement is usually noun or an adjective that renames or defines the subject in some way. कहना वही है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है एक नाउन हो सकता है और एक एडजेक्टिव हो सकता है. दैट रीनेम्स और डिफाइन्स द सब्जेक्ट इन सेम वे. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज फॉलोज लिंकिंग वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, एकदम देखिए, योर सिस्टर इज क्यूट. जो क्यूट लिखा है वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन वो बी वर्ब पर
बैठा है, तो हमने ये मालूम करना है बी वर्ब पर वो आरजेंट ही हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, एडवर्ब फ्रेज हो और नाउन फ्रेज हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बी वर्ब के बाद होने से कॉम्प्लीमेंट होता है, लिंक वर्ब के बाद आने से कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यो जो क्यूट है, कौन क्यूट है? योर सिस्टर क्यूट है, योर सिस्टर इज क्यूट। तो इसी में क्यूट योर सिस्टर को रिफर करता है, तो योर सिस्टर जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को रिफर करने से इधर ही क्यूट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, स्लिपरी रोड्स आर डेंजरस। आर हो गया बी वर्ब, बी वर्ब के बाद जो डेंजरस है वो जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, तो इधर जो है कॉम्प्लीमेंट है डेंजरस, क्योंकि बाकियों को कंप्लीट करता है और वो रिफर करता है स्लिपरी रोड को, तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। यो लोग हैप्पी, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, हैप्पी हर एडजेक्टिव है, तो वो जो है लिंक वर्ब के बाद आया है, हैप्पी जो है यू को रिफर करता है, सो इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रिफर करता है, बी वर्ब और लिंक वर्ब के बाद आता है। लिंक वर्ब क्या क्या होता है आप सबको मालूम है, मालूम नहीं होने से लिख लो, लुक अपीयर ग्रो सीम एक्सेट्रा। हमने अभी जानेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाइज और रिफर्स टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज फॉलोज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ए नाउन और एन एडजेक्टिव। चलो एग्जाम्पल के तौर पर जाएंगे। यू मेड हिम लेजी, यू सब्जेक्ट, मेड जो है वर्ब है, हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेजी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इधर यू मेड हिम होने से आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, लेजी जो एडजेक्टिव इधर जरूरी है, तो ये क्या करता है कंप्लीट करता है, तो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है हिम को। लेजी जो है कौन है? हिम है, तो इसीलिए लेजी जो है रिफर करता है हिम को, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक एग्जाम्पल है, दे कॉल माई ब्रदर फैटी, सेमाने मो भाई को फैटी मोटू बोली डाकती, तो फैटी हला आर्जेटिव, तो आर्जेटिव जो है माई ब्रदर को रिफर करता है, माई ब्रदर हियर ऑब्जेक्ट है, तो फैटी हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है बी वर्ब लिंक वर्ब के बाद आता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ऑब्जेक्ट के बाद बैठता है और बाकियों को कंप्लीट करता है। और के कॉम्प्लीमेंट हो गया भौर कॉम्प्लीमेंट, ये भौर कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन हो सकता है और नाउन फ्रेज हो सकता है, दैट अकर्स आफ्टर द भौर, तो भौर परे आता है के बाद, भौर के बाद आता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो एक्ट एज ए भौर कॉम्प्लीमेंट। हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में होता है सेंटेंस में, वो भौर कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। द मीनिंग ऑफ द भौर एंड द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट विदाउट द कॉम्प्लीमेंट। सो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो वाक्य जो सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट रह जाता है। तो अभी देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। ही वाइप हिज फेस, ही वाइप हिज फेस, उसने उसको मुंह को पोछा, उसने उसका मुंह को पोछा, तो इसमें क्या हो गया? हिज फेस जो है ऑब्जेक्ट तो होता है, और जो ऑब्जेक्ट है ही वाइप व्हाट हिज फेस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसका हिज फेस के भी विदाउट हिज फेस के बिना ही वाइप एक सेंटेंस नहीं होता है। तो अभी अभी चलेंगे हमने ही वांटेड ए न्यू कार, ही वांटेड उसने चाहा, क्या चाहा? ए न्यू कार, वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इधर कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ही वांटेड जो है ए कॉम्प्लीट सेंटेंस नहीं होता है।
तो इसने क्या हुआ, वाइफ को रिफर करता है, वाइफ हिज फेस वांटेड चाह इन यू कार, तो वांटेड को रिफर करता है, तो इसको भौर कंप्लेंट बोला जाता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का होता है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और नहीं समझने से मेरा कमेंट बॉक्स में डाल देना कमेंट को, मैं उसको फिर बाद में समझाऊंगा। द कॉम्प्लीमेंट इन द अबव एग्जांपल्स आर अंडरलाइन, इफ यू ट्राई टू रिमूव द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स यू विल नोटिस दैट नॉन ऑफ दिस सेंटेंसेस हैव एनी सेंस विदाउट देयर इंप्लीमेंट्स। ये कहा कि अंडरलाइन वर्ड्स जितना है उसको रिमूव कर देने से वाक्य का कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बिना वाक्य नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, और वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका बारे में आपको जानकारी मिल गया। फिर भी कोई इफ यू हैव एनी डाउट लेटर ऑन देन यू कैन ड्रॉप योर कॉम्प्लेन इन अवर कमेंट बॉक्स प्लीज। व्हाट इज एन अर्जेंट, देखो अर्जेंट क्या होता है, अर्जेंट इज एन ऑप्शनल एंड स्ट्रक्चरली डिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये जो है जरूरी पार्ट होता है गोटे सेंटेंस का, एक सेंटेंस का जरूरी पार्ट होता है, एक क्लॉज का जरूरी पार्ट होता है, और एक फ्रेज का। अब सेंटेंस क्या है मालूम है, क्लॉज क्या है मालूम है, और फ्रेज क्या है मालूम है। सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज मालूम नहीं है तो मैं दूसरा वीडियो में डालूंगा क्या सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है और फ्रेज, इसको अपलोड करूंगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज एंड रिमूविंग इट डजंट हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। थस एन अर्जेंट ओनली एड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू ए सेंटेंस। अर्जेंट ऑलवेज फंक्शंस एज एन एडवर्ब। इसका कहना यह है अर्जेंट जो है इतना जरूरी पार्ट नहीं होता है, उसको रिमूव कर देने से कौन सी कोई सेंटेंस का इफेक्ट नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है पड़ता है। Thus, an urgent only adds extra information to a sentence. यो जो है अतिरिक्त सूचना देता है, additional information sentence को देता है। Urgent always function as an adverb. Urgent adverb के रूप में form में sentence में होता है। जैसे for example, he laughed at her mistake. He laughs. उसने हंसा at उसका mistake. उसका मिस्टेक पर आटर मिस्टेक इन द पार्क यस्टरडे, आटर मिस्टेक आई मेट हिम इन द पार्क हो यार आडबर, ये आडबर होता है। आटर मिस्टेक आई लव प्रिपोजिशनल फ्रेजेस यस्टरडे, ये भी आडबर होता है। ये सब आटर मिस्टेक भी आडबर है। आई विल कम आफ्टर आई हैड माय ब्रेकफास्ट, ये जो होता है इसमें भी ये जो कंजक्शन होता है मोहन विल लिव टुमारो, ये भी कंजक्शन नहीं है, ये टुमारो जो है एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम है। आफ्टर जो है एडवर्ब टाइम है, यस्टरडे एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब प्लेस इन द पार्क जो है एडवर्ब प्लेस है, आफ्टर मिस्टेक वो भी एडवर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो ये सब जो है अर्जेंट है, ये नहीं होने से ये सेंटेंस चलेगा, ये सेंटेंस का कोई खराबी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही लाफ तो सेंटेंस हुआ, आर्डर मिस्टेक जो एडिशनल पार्ट है मैंने उसको मिला, उसको मैं उससे मिला, तो उसमें तो वाक्य हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। इनका पार्ट जो है हमारा जो है एडिशनल पार्ट है। यस्टरडे शी गेव मी अ लेटर, से मेरे को एक लेटर दिया, तो यस्टरडे लगाने से चलेगा, नहीं लगाने से चलेगा, तो ये हो गया एडिशनल पार्ट अर्जेंट जो है। तो ये जो है इतना जरूरी पार्ट नहीं है, उसको इधर से रिमूव कर देने से भी सेंटेंस बनेगा। आई विल कम आफ्टर आई हैड ब्रेकफास्ट जो है, आई विल कम मैं आऊंगा, तो आफ्टर आई हैड माय ब्रेकफास्ट जो है वो क्लॉज है, तो
आर्बर क्लॉज है तो ये नहीं होने से भी चलेगा। मोहन विल लिव, ये भी सेंटेंस हो सकता है। टूमर जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो ये जो है अर्जेंट है। अभी शी वॉन्टेड ए न्यू कार फॉर हर बर्थडे, शी वॉन्टेड ए न्यू कार फॉर हर बर्थडे जो है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, हाँ ये भी जो है हमारा एडवर्ब है तो ये भी हमारा अर्जेंट है। तो क्या बोला, द अंडरलाइन सेक्शन इन द अबव सेंटेंसेस कैन बी डिफाइन एज अर्जेंट इफ यू रिमूव दिस सेंटेंसेस, द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड स्टिल बी कंप्लीट। यदि हम इनको रिमूव कर देगा अर्जेंट को तो फिर भी सेंटेंस ठीक रहेगा। अर्जेंट्स आर एडवर्बल्स, तो अर्जेंट क्या होता है, एडवर्बल्स होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन के नाउन होता है, एडवर्ब्स होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन के रूप में सेंटेंस में पुट होता है, एडवर्ब के रूप में पुट होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में होता है, एडजेक्टिव फ्रेज रूप में पुट होता है। एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होता है, नाउन होता है, नाउन का नाउन फ्रेज के रूप में भी बैठता है कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब के रूप में बैठता है, एडवर्बल्स के रूप में बैठता है। तो अर्जेंट कॉम्प्लीमेंट बोलने से कॉम्प्लीमेंट जो है नेसेसरी पार्ट हो गया, अर्जेंट हो गया हमारा, अर्जेंट क्या हो गया, अर्जेंट हो गया हमारा एडिशनल पार्ट। ये इतना जरूरी नहीं है, नहीं होने से भी सेंटेंस चलेगा। कॉम्प्लीमेंट जो है नेसेसरी पार्ट है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट जो है अर्जेंट का रूप में दिखाई देगा, नाउन का रूप में दिखाई देगा, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, अर्जेंटिव फ्रेज में होता है। तो जो है इसके बारे में आप लोग बहुत आराम से लेना दिमाग में, अच्छा से पढ़ाई करना, तो फिर भी आपको कोई डाउट हुए तो फिर आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट को कंप्लेन को डालना। इसके बाद मैंने सेंटेंस क्लोजर फ्रेज के बारे में वीडियो अपलोड करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।